आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी। रोटी के बारे में सोचूं बापू की, ये कोचिंग के बारे में सोचूं, ये हालत है, कर्जा वो रखे हैं। इस क्लिप को कई YouTube चैनलों ने अपलोड किया है और सबके लाखों में व्यूज हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम इन करेक्टर्स से इतना अटैच्ड हो जाते हैं? वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। अभी हाल ही में YouTube पर एक वेब सीरीज आई है, TVF एस्पिरेंट। इसको प्रोड्यूस किया है द वायरल फीवर ने। सीरीज में एक कैरेक्टर है संदीप भैया। वैसे तो वो एक UPSC एस्पिरेंट हैं, लेकिन उनके कुछ सीन हम सभी को बेहद पसंद आ रहे हैं, चाहे वो कोई टीनेजर हो या कोई मिडिल एज आदमी। लेकिन ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन करेक्टर्स को अपना मान लेते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं उनके साथ, और इस रिलेशन को कहते हैं पैरासोशल रिलेशन। आपको बचपन में देखी हैरी पॉटर सीरीज तो याद होगी, या फिर नानिया सीरीज, या फिर कोई भी एनिमी करेक्टर। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी कहानी है, भले ही ये फैंटेसी वर्ल्ड में क्यों ना हो। लेकिन टाइम के साथ साथ हम स्क्रीन पर रियल लाइफ करेक्टर्स भी देखने लगे, जैसे दी ऑफिस में ड्वाइट, या अभी आई सीरीज TVF एस्पिरेंट में संदीप भैया। हमको ऐसा लगता है कि हम इसको जानते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि कई लोग अपनी कहानी को उन फिक्शनल करेक्टर से जोड़ते हैं। इस प्रोसेस में बहुत सी चीज़ें जैसे फाइनेंशियल सिचुएशन या करियर चॉइसेस, या फिर कोई एक पर्सनल मोमेंट हो, तो अब से कोई फिक्शनल करेक्टर से आपको अपनापन लगे तो समझ जाना ये एक पैरासोशल रिलेशन है। Break me. You opened your heart to me. We're soulmates, Joe. दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन कौन से फिक्शनल कैरेक्टर अच्छे लगते हैं, और सिनेमा वर्ल्ड से जुड़ी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।